हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड्स के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में वेदर, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था। नाउ व्हाट आर विंड्स? ए ब्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एयर है वो यूजुअली फ्लो करता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज तक, ठीक है। अब जो विंड होती है, हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूजुअली आप ये ध्यान रखिएगा कि विंड्स जो फ्लो करती हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे फ्लो करती है, मतलब लैटिट्यूड वाइज, उसको हम लोग विंड्स कहते हैं। अब जो वर्टिकली फ्लो करती है उसे हम लोग एयर करेंट्स बोलते हैं। तो इन डिफरेंस को आप लोग याद रखिएगा। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोस। इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम द वेस्ट साइड इट इज़ नोन एज द वेस्ट विंड। अगर विंड वेस्ट साइड से ब्लो कर रही है तो हमें इसे वेस्ट विंड कहते हैं। नाउ ड्यू टू रोटेशन विंड इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। द स्पीड ऑफ द विंड ऑल्सो वेरीज ग्रेटली। इफ देर इज अ क्विक चेंज इन एटमोसफेरिक प्रेशर इट कॉजेज द विंड टू ब्लो फास्ट एंड वाइस वर्सा। कभी कभी विंड का स्पीड और विंड स्पीड और डायरेक्शन के हिसाब से चेंज भी हो जाती है। कभी कभी फास्ट हो जाती है तो कभी कभी स्लो हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती, तो इसको याद रखिएगा। इन 1805 अ ब्रिटिश नेवल ऑफिसर नेम सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड डिवाइस अ 30 लेवल स्केल टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। दिस स्केल रेंजेस फ्रॉम एन एब्सोल्यूट काम कंडीशन टू अ हरिकेन। The direction of the wind is found with the help of the wind vane. The speed of the wind is measured by anemometer. So the direction of the wind is found by the wind vane and the speed of which the wind is measured is known as anemometer. So हम लोगों ने देखा था कि how the temperature is being मतलब कि temperature को judge करने के लिए जो scale होता है वो है thermometer. To know about the atmospheric pressure, we use barometer, and for measuring your wind, we use anemometer. अब तीन तरह के winds होते हैं, which is planetary winds, periodic winds, and the local winds. ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लैनेटरी विंड से। सो प्लैनेटरी विंड्स बेसिकली क्या होती हैं? इट्स अ कांस्टेंट विंड जो एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है। दीज विंड्स ऑल्सो नोन एज प्रिवेलिंग विंड्स और परमानेंट विंड्स और प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स को ही हम लोग परमानेंट विंड्स कहते हैं, परमानेंट विंड्स को ही हम लोग प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है। दीज विंड ओरिजिनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो हाई प्रेशर बेल्ट्स एंड लो प्रेशर बेल्ट्स हमारे अर्थ पे रहती है ना, उसकी वजह से ये प्लैनेटरी विंड्स फ्लो करती हैं। अब तीन टाइप की आपकी प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, विच इज़ योर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड द पोलो विंड्स। तीन टाइप की होती हैं, इसको याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज पीरियोडिक विंड्स? सर्टन विंड्स हैव द टेंडेंसी टू रिवर्स देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली। कुछ की टेंडेंसी होती है टू रिवर्स देयर डायरेक्शंस, मतलब चेंज हो जाती है उनकी डायरेक्शंस। दीज विंड्स ब्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर। सच विंड्स आर कॉल्ड पीरियोडिक विंड्स। दे आर कॉज्ड बाय द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। अब ये जो डायरेक्शन चेंज होता है ये यूजुअली होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। कहीं कहीं आपका बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कूल एरिया होता है ऑफ द अर्थ सर्फेस, तो इसी की वजह से ये डिफरेंस आता है ना। पीरियोडिक विंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, विच इज़ मॉनसून विंड्स एंड लैंड एंड द सी ब्रीज। लैंड एंड द सी ब्रीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे वो वर्क करता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट इज़ द लोकल विंड्स, जो सबसे कॉमन होती है लेकिन उसमें कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। In many parts of the world, winds with special characteristics blow over small areas. These winds blow for a short time. Such winds are called local winds. Most of them are seasonal and their names are usually derived from their languages such as Loo, Chinook, Fern and Hamatan. ठीक है? अब Loo तो usually हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं। Now ये Chinook, Fern and Hamatan तो different countries, different areas में यूज़ होता होगा।
तो लू जैसे फ्लो होती है, दीज आर द वेरी ड्राई वार्म विंड्स होती हैं जो कभी कभी, यू नो हमेशा नहीं, कभी कभी फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम फ्लो हो जाती है. सो दीज आर कॉल्ड द लोकल विंड्स. अब समझते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में. तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था, जैसे सन है उसकी रेडिएशंस अर्थ सरफेस पे पड़ती है तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो इसकी प्रेशर होता है लैंड का वो डिक्रीज हो जाता है. सो जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होने लगता है. ऑन द अदर हैंड विंड एरिया, सी एरिया में, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है तो इसी की वजह से प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड यू नो कि जो विंड फ्लो करती है इट फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. तो अब विंड कहाँ से ब्लो करेगी? विंड ब्लो करेगी सी एरिया से टूवर्ड्स द लैंड एरिया, ठीक है. तो इसी के वजह से आप देखोगे जब आप समर्स में दिन में अगर आप सी साइड जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कूल फ्री होता है, बिकॉज जो विंड्स ब्लो होती हैं वो सी साइड से होती है, बिकॉज एट दैट डे टाइम सी हैज़ अ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ लो इन द सी एज़ कम्पेयर टू द लैंड एरिया. अब रात में इसका कंप्लीट ऑपोजिट हो जाता है. रात में आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होने लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हीट अब्जॉर्ब करी होती है अर्थ ने वो रेडिएट बैक करने लगता है. एंड फॉर दैट मैटर आपका जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है एंड प्रेशर बढ़ने लगता है. एंड ऑन द अदर हैंड सी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एंड प्रेशर लो हो जाता है. अब आपको भी मैंने फिर बताया था कि जो एयर का एयर फ्लो करता है इट फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो अब विंड इस साइड से फ्लो करेगा फ्रॉम लैंड. तो यूजुअली लैंड का जो विंड है वो गर्म रहेगा क्योंकि जो हीट अब्जॉर्ब करती थी वो रेडिएट हो रही है. तो इसी वजह से जब आप रात को सी एरिया के साइड जाते हो तो आपको गर्मी लगती है. नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन और बाज, ये आपको याद करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम्स में आता है. ऑन 29th November 2005 a tropical cyclone named Baz was formed in the Bay of Bengal off the southern coast of India near the island of Sri Lanka. Sri Lanka side mein ye hua tha. It originated towards the west of the Andaman island and moved across the Bay of Bengal. Andaman area se aaya tha aur ye Bay of Bengal side chal ja raha tha. The storm did not have the classical cyclone shape. Cyclone का shape नहीं था इसका जैसे classical जो होता है, but had several areas of clouds suggesting intense thunderstorm. लेकिन thunderstorm बहुत heavy clouds form ज़रूर हो रहे थे. On 30th November 2005, the forecasters predicted that the storm would reach the coast of the India within 48 hours. अब ये जो स्टॉर्म है जो बन रहा था विंड का, थंडर का, वो धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल तक जा रहा था. तो उन्होंने बोला कि ये कोस्ट एरिया में 48 आवर्स मतलब दो दिन में पहुंच जाएगा, बट स्टिल ब्रॉट हेवी रेन्स टू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. और ये तमिलनाडु और नीचे कोस्टल एरियाज में बहुत हेवी रेनफॉल लेकर आया था. सेवरल डेज ऑफ कंटिन्यूस हेवी रेन्स फ्लडेड लो लाइंग एरियाज अराउंड चेन्नई. अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड इन 24 आवर्स. इट इज़ रिपोर्टेड दैट टू हैव it is reported to have been the heaviest in the Chennai indicates. सबसे heavy rainfall जो हुई थी वो जो record हुई है वो इस time पर ही हुई है in Chennai indicates, right? More than 1 lakh people were evacuated to the safer areas. उन लोगों को safer areas में ले जाया गया था. So this was about the cyclone. इसको आप ऐसे ही याद करिएगा, it's very important. Usually exams में teachers पूछती हैं. Now what is moisture? Moisture को आप वाटर बॉडी भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं. मॉइस्चर समवट एक ही टाइप का होता है. मॉइस्चर इज़ द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट. तीन स्टेट्स में रहता है मॉइस्चर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एरिया एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. द एयर इन द इक्वेटोरियल रीजन हैव मोर मॉइस्चर. इक्वेटोरियल साइड में जो एयर होती है वो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहती है, ज़्यादा सन की रेज भी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है. एंड स्वेटिंग इसलिए होती है क्योंकि जो विंड होती है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है. द एयर हैज़ मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर सीजन.
दैन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. अब सनी समर सीजन में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है एज़ कम्पेयर टू द विंटर एरिया टाइम. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट. अब जैसे जैसे आप इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल से पोलर टाइम एरिया में जाएंगे, मॉइस्चर एयर का डिक्रीज होने लगता है. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज जीरो इन द कोल्ड एयर एंड इन द पोलर रीजन. जैसे मैंने आपको बताया था ऑल्टीट्यूड से आप ऊपर जाते जाएंगे तो जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड ऑब्वियसली कोल्ड एयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है. Now we'll study about the evaporation. The most important form of moisture in the atmosphere is water vapor. It is added in the atmosphere through evaporation of water. It is added from the moist ground and from plants and animals through transpiration. Evaporation takes place everywhere at all times and at all temperature. The rate of evaporation increases when the air is hot, dry and windy. It decreases with the air when air is cold, moist and calm. अब इवेपोरेशन कैसे होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली जो वाटर होता है वो जल्दी सोख कर लेता है, और जो वाटर का जो कंडेंस फॉर्म होता है वो कैजुअली आपका इवेपोरेटेड फॉर्म में हो जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है. दिस इज़ वॉट वी कॉल एज इवेपोरेशन. नाउ वॉट इज़ ह्यूमिडिटी. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. जितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है एयर में उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एयर टेम्परेचर व्हेन द एयर होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. जब एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकती है और उसके पास उतनी जगह है, देन द एयर इज सेट टू बी सैचुरेटेड. देन उस एयर को हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं. An important and the usual way of expressing the level of humidity in terms of relative is in terms of related humidity. It is defined as the ratio between the actual amount of water vapor present in the air at a given temperature and the maximum capacity of the air to hold the moisture. कितना होता है और कितना वो hold कर सकता है, that relativity is known as relative humidity. Relative humidity is always expressed in percentage. Now, relative humidity is something which is always expressed in percentage. ये percentage में होती है क्योंकि हम लोग इसे calculate भी percentage में ही करते हैं. Well, absolute humidity determines the amount of precipitation. It is relative humidity which tells us about the possibility. Now, what is condensation? अभी हमने humidity का पहला part बना था which is evaporation. जब बहुत high temperature होता है तो वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर. नाउ कंडेंसेशन तब होता है जब टेम्परेचर लो होता है एंड प्रेशर हाई होता है, तो जो इवेपोरेटेड वाटर वेपर होता है इट कंडेंसेस डाउन, हैवी हो जाता है तो नीचे आ जाता है एंड इट फॉर्म्स कंडेंसेशन. ये मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, यही प्रोसेस उसमें लिखा हुआ है. The important forms of condensation are dew, fog and clouds. When small drops of water condenses around the dust or smoke particles in the air, the mass is called cloud. Cloud moves from one place to another even by light air movement. Depending upon the shape and the height of at which they are formed, they are of three types. अब जो clouds होते हैं, ये clouds are usually the, you know, evaporated form of water. मतलब कि अब जब ज़्यादा हैवी हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो तीन टाइप के होते हैं, सिरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रैटस. ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन को ही हम लोग रेनफॉल कहते हैं. अभी हमने क्लाउड के बारे में पढ़ा कि क्लाउड इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल ओनली. वो कंडेंस फॉर्म में रहता है, सॉरी इवेपोरेटेड फॉर्म में रहता है, क्लाउड फॉर्म में रहता है, भाप जैसे. क्लाउड इज एक्चुअली भाप ना, तो अब जैसे ही वो भारी हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है एंड प्रेशर कम हो जाता है, सॉरी टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तब जो क्लाउड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे गिर जाता है.
When small water droplets join together, they grow in size until they are unable to float on the air. अब बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स फॉर्म अ बिग ड्रॉप. अब उसका जब वेट क्लाउड नहीं सह पाता है तो वो भारी हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज प्रिसिपिटेशन. द मेन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन इज रेन, डिजल, स्नो एंड हेल स्टोन्स. अब यूजुअली रेन होता है, लेकिन हम आप उसे ड्रिजल भी कहते हैं, स्नो भी कहते हैं, एंड हेल स्टोन्स भी कहते हैं. बेसिकली रेनफॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. नाउ वॉट इज कन्वेंशनल रेनफॉल? कन्वेंशनल रेनफॉल इज व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट गेट्स हीटेड, बिकम्स लाइट एंड राइजेज इन द फॉर्म ऑफ एयर करेंट. आफ्टर द वार्म एयर रीचेज द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, इट एक्सपैंड एंड लूजेज हीट. दिस लीड्स टू द कंडेंसेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स. वाटर है कोई, जब अर्थ सर्फेस को छूता है तो टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, तो वो इसलिए ऊपर चला जाता है. ठीक है, जैसे ही ऊपर जाता है, जब वो एटमॉस्फेयर के एट मैक्सिमम लेवल तक चला जाता है, तो देन इट बिकम्स हैवी, बिकॉज टेम्परेचर गिर जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, एंड नीचे वो आता है. सो दिस, अब वो जब नीचे आता है, सो देन इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो दिस प्रोसेस, दिस काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इज नोन एज कन्वेंशनल रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल, व्हेन अ माउंटेन और अ हिल कम्स इन पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स. अगर मतलब कि किसी मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स के बीच में कोई माउंटेन या पत्थर आ जाए, उससे वो टकरा जाए, तो उस फोर्स की वजह से जो रेनफॉल होती है, दैट इज़ नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल. एज द एयर मास राइजेज अपवर्ड्स, कूलिंग टेक प्लेस. दिस इज अलाउड बाय द कंडेंसेशन एंड द प्रेसिपिटेशन. दिस इज कॉल्ड एन ओरोग्राफिक और अ रिलीफ रेनफॉल. द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट्स मोर रेनफॉल देन द लीनवर्ड साइड. अब जिस तरफ से वो टकराया है वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा. अब दूसरे साइड वो गया नहीं, तो दूसरे साइड रेनफॉल नहीं होगी. नाउ वॉट इज साइक्लोनिक रेनफॉल? दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज जनरली एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स. ये जो रेनफॉल है वो एसोसिएटेड है साइक्लोन से, इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड द डिप्रेशन इन द टेम्परेट रीजन. ये यूजअली आपकी ट्रॉपिक रीजन मतलब टॉरिड जोन में होती है, एंड टेम्परेट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एरिया में भी होती है. द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेस इज कॉल्ड फ्रॉथ. इन अ साइक्लोन, व्हेन अ वार्म एंड कोल्ड एयर मास मीट, द लाइटर वार्म एयर मास ओवरराइड्स द कोल्ड एयर मास. अब कोई हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास एक दूसरे से टकराती है, तो ऑब्वियसली जो वार्म एयर मास होती है वो उसके ऊपर चली जाती है, ओवरराइड्स कर जाती है. ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. अब जो इनके दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है उसके हम लोग फ्रॉन्ट कहते हैं, FRONT. फ्रॉन्ट. कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द वार्म एयर. अब ऑब्वियसली वार्म एयर में ही कंडेंसेशन होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर गिरेगा एंड यूजुअली वो हैवी होगा, तो इसमें ही मतलब कंडेंसेशन होता है, वो नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर. एंड द रेनफॉल अकर्स अलॉन्ग द पाथ ऑफ द साइक्लोन. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज. ऐसी जो रेनफॉल होती है वेस्टर्लीज में बहुत कॉमन है. We receive most of the fresh water rain. उस एरिया में हम लोग फ्रेश वाटर रेन बहुत रिसीव करते हैं. ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. ये रेनफॉल बहुत हेल्पफुल है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में. बट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड वेरीज ग्रेटली. लेकिन जो रेनफॉल है वो डिफर करता है बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द जोन, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इसके हिसाब से रेनफॉल भी बहुत डिफर करता है. इट कैन कॉज फ्लड्स एंड ड्राउट्स एट द सेम टाइम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you so much.